पहला है सत, पहला है सत। शंकर जी का कहना है, मेरे प्रभु धन्य है आप, असत्य ये संसार है, और असत्य संसार में जो संसार के प्राणी हैं पूरे जीवन असत्य के पीछे भागते रहते हैं। कैसे मालूम पड़ा कि आप चैतन्य स्वरूप हो? अरे भाई, वृक्षों में, लताओं में, पर्वतों में, नदियों में, पहाड़ों में, सब में जो चैतन्य तत्व का दर्शन करेगा वही तो उनसे प्रश्न करेगा। संसार के लोगों की दृष्टि है ये पर्वत, ये नदियां, ये समुद्र, ये वृक्ष, ये सब जड़ है। लेकिन आपने सबसे सीता का पता पूछ करके बता दिया चैतन्य तत्व व्यापक है, सब में है। ये वृक्ष भी चैतन्य है, ये वृक्ष भी वार्तालाप करते हैं। अगर कोई उनसे बात करने की कला में निपुण हो तो चैतन्य तत्व सर्वत्र व्यापक। सीता जी के विरह का नाटक किया कि आनंद आ गए, लेकिन सती जी ने दूसरा ही अर्थ लगाया। सती जी का कहना, जो असत्य माया मृग के पीछे भागे उससे बढ़कर के असत्य कौन हो सकता है। जो जड़ वस्तुओं से अपनी पत्नी का पता पूछे उससे बढ़कर के जड़ कौन हो सकता है। लेकिन सती जी के मन में संशय तो हुआ, पर शंकर जी से कुछ बता नहीं रहे, शंकर जी से कुछ बता नहीं रहे। यद्यपि सती जी ने बताया नहीं, लेकिन उनके भीतर जो उधेड़ बुन चल रही है शंकर जी से छिपा नहीं रहा। शंकर जी को सब मालूम पड़ गया, क्योंकि भगवान शंकर अंतर्यामी। शंकर जी कहने लगे, देखो सती, तुमको संशय नहीं करना चाहिए। अगस्त मुनि के आश्रम पर जा करके जिन भगवान की कथा का हमने श्रवण किया था वही मेरे आराध्य परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी सीता जी के विरह का ये अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अगर सती जी ने कथा सुनी होती तो उनको ये मालूम होता कि भगवान नाटक करते हैं, भगवान लीला करते हैं। चरित्र अलग होता है और नाटक अलग होता है, भगवान नाटक कर रहे हैं। शंकर जी कहने लगे, मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमल मन जहि ध्यावै। I'm
बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महात्मा सिद्ध महापुरुष निर्मल मन के द्वारा जिस परम तत्व परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वेद नेति नेति करके जिनका निरूपण करते करते थक जाते हैं, लेकिन जिसका पार नहीं पाते। शंकर जी कहने लगे, देवी वही सोई राम व्यापक ब्रह्म, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम के परतंत्र होकर के इस विश्व के रंगमंच पर अवतार लेकर के वो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया सती जी, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। और जब समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति इतना बड़ा संशय है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। सती जी कहने लगी, महाराज आप भी चलिए मेरे साथ में। शंकर जी कहने लगे, नहीं, मैं तो वटवृक्ष की सुशीतल छाया में बैठूंगा, तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ। लेकिन शंकर जी ने सावधान कर दिया, भगवान की परीक्षा लेना लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। देखिए, छोटा बड़े की परीक्षा नहीं ले सकता, बड़ा छोटे की परीक्षा ले सकता, शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है। अरे भाई, प्राइमरी वाले को पढ़ाया जाता है का माने कबूतर, एमए वाले को पढ़ाया जाता है का माने जल, और उससे भी ऊपर अध्यात्म शास्त्र में पढ़ाया जाता है कम ब्रह्म का माने ब्रह्म। बड़े का स्तर बड़ा है, छोटे का स्तर छोटा है। जो कबूतर तक पहुंचा है वो अगर एमए वाले से पूछे का माने, वो तो कबूतर थोड़े ही बतलाएगा। बड़ा छोटे की परीक्षा कर सकता है, छोटा बड़े की परीक्षा नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा, विवेक पूर्वक भगवान की परीक्षा करना। और जहां तक भगवान की परीक्षा का विषय है, ये सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना सीता का वेश बना करके इनके आगे आगे चलूं, और मुझे आगे चलते देख करके अगर ये मुझे सीता समझ करके खुश हो जाएंगे, मैं समझ लूंगी ये साधारण से राजकुमार। और अगर सीता के वेश में ये मुझे पहचान लेंगे, मैं सीता नहीं बल्कि मैं सती हूं, मैं समझ लूंगी ये भगवान है। सीता का वेश बना, सीता का वेश धारण करके भगवान जिस मार्ग में आ रहे थे उनके आगे आगे सती चलने लगी। वेश तो बनाया लेकिन सीता जी का नाटक नहीं कर सकते। किसी का वेश बना लेना अलग बात है, उसका अभिनय करना अलग बात है। अरे भाई, सीता जी का अभिनय तो तब उनको आता जब उन्होंने राम कथा सुनी होती, वेश बना के आगे आगे चलने लगे। पूरे रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा नहीं प्रसंग आया है कि सीता जी भगवान के आगे आगे चल रही है। सब जगह है सीता जी भगवान के पीछे पीछे ही चलती है। सब जगह पीछे पीछे चलती है। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे आगे सोहती कैसे सोहती।
आगे आगे भगवान राम चलते हैं, उनके पीछे सीता चलती है, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, लेकिन सती जी सीता का वेश बना करके भगवान के आगे आगे चलने लगी। इसका मतलब सीता है साक्षात भक्ति। जो सच्ची भक्ति होती है वो भगवान के पीछे पीछे चलती है। सच्चा भक्त भगवान से कभी ये नहीं कहता कि मेरे अनुसार चल, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह। सच्चा भक्त कभी भगवान को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलाता, अपने अनुसार नहीं चलाता, भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है, भगवान के पीछे पीछे चलता है। लेकिन नकली भक्ति भगवान के आगे आगे चलती है। नकली भक्ति भगवान को के आगे आगे चलती है। नकली भक्त भगवान से क्या कहेगा, भगवान को जाकर के धमकाएगा, अगर मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी पूजा करना बंद कर दूंगा, अगर मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा दर्शन करना बंद कर दूंगा। अरे भाई, ये भगवान की पूजा नहीं करेगा तो भगवान भूखे रह जाएंगे, ये अगर भगवान का दर्शन नहीं करेगा तो भगवान को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन नकली भक्त भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहता है। सीता बन करके सती जी आगे आगे चलने लगे, भगवान को भ्रम में डालने के लिए आई, लेकिन लक्ष्मण जी ही सारी बात समझ गए। लक्ष्मण जी ने देखा ये सती जी को क्या हो गया, और लक्ष्मण जी ने बड़ी दूर की बात देख लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी ने देखा ये सती जी ने उमा बनने की तैयारी कर ली है। अभी सती जी उमा नहीं है, सती जी शरीर का त्याग करेंगी, पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म लेंगी, वन में जाकर के तपस्या करने के लिए प्रस्थान करेंगी, तो माता पिता कहेंगे उमा, उमा ने तपस्या, मां माने मत करो, उनकी मां कहेगी तपस्या मत करो, तो नाम पड़ गया उमा। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो उमा बनने की तैयारी कर रही, लेकिन लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने आगे बढ़ करके दोनों हाथों को जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम को छोड़ करके कोई भी होगा वो तो भटकेगा ही। भगवान शंकर हैं साक्षात विश्वास के स्वरूप, और जिसके जीवन में जिसके हृदय में विश्वास नहीं होगा वो तो संसार के वन में भटकेगा ही, भटकता रहेगा, संसार के वन में भटकता रहेगा। तो कहने लगे आपने शंकर जी को कहां छोड़ दिया,